हाँ, तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें और खाली करें। 3 बार ओंकार करेंगे, श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे हम सब अपनी आंखें खोलेंगे। तो आंखें खोलने के साथ साथ सभी अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, शीतल जी, मीनाक्षी जी, हीना जी, ओके, जय गुरुदेव हीना जी। तो जया जी जब तक आ जाएं तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए। टॉपिक का नाम था ना, हेल्थ इज इन आवर हैंड्स। जो हमारी जो सेहत है ना, वो हमारे हाथ में है, बराबर है ना वो बात? हाँ, तो हेल्थ किससे बनती है? हमारे खान पान से, हमारी सोच से, और हमारी भावनाओं से, और हमारे समाज के प्रति क्या क्या व्यवहार है, हमारी जो आत्मिक रास्ते पे उन्नति है वो किस प्रकार है। तो पांचों एस्पेक्ट से अगर हम स्वस्थ हैं तो उसको हेल्थ कहते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली। तो सबसे पहले शरीर आता है, और शरीर कभी स्वस्थ होता है जब भी हम उसको अच्छा सा खाना देते हैं, है ना? हाँ, खाने के ऊपर सुनते ही हमारे मुंह में पानी भर आता है, नहीं है ना? क्योंकि ये ना खाने का हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। हाँ, पहले जन्म में भी किया, अभी भी कर रहे हैं, बाद में न जाने क्या होगा। ये चालू रहता है सिलसिला खाने का, तो हर जन्म में खाते हैं। चूहा भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, इंसान भी खाता है, हर किसी को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और मजे की बात है कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी खाता है और कभी भी सोता है ना?
नहीं तो जो पक्षी पक्षु हैं, जानवर हैं, उनको भी बुद्धि नहीं है, पर वो जैसे ही शाम ढल जाती है वो अपने घोंसले में चले जाते हैं, सो जाते हैं। पर जैसे ही सूरज उगता है वो उठ जाते हैं, खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, पर हमारा कुछ ठिकाना नहीं रहता, है ना। तो इस गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये इम्बेलेंस होने लगते हैं। तो इनके कार्य क्या है हमारे शरीर में, और ये इम्बेलेंस क्यों होते हैं, और इनको हम बैलेंस में कैसे लाएं, और अपना खाना कैसे चूज करें। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम कुछ बाजार से ही खा लेते हैं कुछ ना कुछ, तो एक व्यक्ति को सूट होता है, दूसरे को एसिडिटी होती है, तीसरे को लूज मोशन हो जाते हैं, एक को कुछ नहीं होता है। तो हर किसी का जो इम्यूनिटी है ना अलग अलग है। तो ये इम्यूनिटी की बात करेंगे ना, इतना वास्ट टॉपिक है, तो आयुर्वेदा में एक चीज को पकड़ेंगे उसके पीछे इतना गहन नॉलेज है। तो ये गहन नॉलेज है ना, एक शॉर्टकट प्रोग्राम में मस्त सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, उसका नाम है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। ये 3 दिन का शिविर है, 2 घंटे रोज, और आप खुश नसीब हो कि ये ना अभी पूरे वर्ल्ड में 7 to 9 जनवरी होने जा रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में होने जा रहा है, सिंधी, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, मराठी, हाँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है। तो आप जरूर भी ये कर लें और मिस ना करें। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि हम ना सभी खा रहे हैं ना, तो सबको अपने प्रकृति विकृति वात पित्त कफ क्या है इसको समझना जरूरी है। नहीं तो हम कुकिंग की बात छेड़ते हैं तो जेंट्स तो साइड हो जाते हैं, नहीं, ये तो हमारे हमारे काम की चीज है ही नहीं। क्यों भाई, आप खा भी तो खा रहे हो ना, तो आपके समझ की बात क्यों नहीं है। तो उनको तो पहले ही करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, सभी लोगों को ये करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ना इतना गहरा नॉलेज है ना। और खाना किस प्रकार खाना है, किस प्रकार बनाना है, कौन से बर्तनों में बनाना है, इम्यूनिटी को कैसे ठीक रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कब ना खाएं, पूरा जो है ना मस्त सुंदर तरीके से समझाया गया है। और आपको PDF भी मिलेगा, रेसिपीज भी मिलेगी, और ये सब लिखे हुए चीजें मिल सकती है। हाँ, तो आप सोचेंगे 2 घंटे में इतना कुछ, हाँ इतना कुछ, बहुत कुछ। फिर ना आप हमारे साथ जुड़ जाते हो आगे की जर्नी के लिए, है ना। यहाँ पे हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, यहाँ पे शुरुआत होती है। और जिन बच्चों की कुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छी कुकिंग से शुरुआत करेंगे, तो उनको आगे जाके डिफिकल्टी नहीं होगी। नहीं तो मोस्टली डिफिकल्टी आती है कि हम तो ऐसे खाना बनाते हैं, हम कैसे चेंज करें। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, फिर अपनी हेल्थ में आप खुद ही फर्क समझेंगे और मस्त हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे है ये कोर्स, हा? तो हम ना डिटेल्स डाल देंगे पूरे कोर्स के, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सिंधी, मैं पूरा एक डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसमें फोन नंबर्स भी हैं, आप किसी भी टीचर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, आपकी मदद कर देंगे। और स्क्रीनशॉट लेके अगर आपने कोर्स किया है तो ये फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, और एक रहस्य की बात भी है इसमें, वो मैं थोड़े दिनों के बाद बताऊंगी, जब भी हम नेक्स्ट इंट्रो में मिलेंगे ना, तभी मैं बताऊंगी कि इसमें और क्या मिलेगा आपको।
तो आप रोज बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी देखूं जया दीदी आए हैं क्या, तो मैं उनको बुला लूं। हाँ जया दीदी आए हैं तो मैं उनको बुलाती हूँ। ये मैंने इंट्रो बता दिया कि क्या क्या हम सीखेंगे कोर्स में, अभी वो देखें क्या बताते हैं आपको। ठीक है ओके थैंक यू सोनिया जी मुझे अनम्यूट करने के लिए। ओके तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा टेक्निकल रीजंस के कारण मैं जल्दी नहीं जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। ओके सो कृपया वीडियोज ऑन कर लीजिए पहले तो अपना। सोनिया दीदी आपने बता दिया है कोर्स के बारे में। सोनिया दी आप हो वहां पर? थैंक यू सेजल जी। ओके थैंक यू सोनिया दीदी फॉर रिप्लाइंग। ओके थैंक यू विद्या जी, सेजल जी, हीना जी, मुकेश जी। ओके या तो मैंने पढ़ लिया है चैट बॉक्स में, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। ओके सो आज का टॉपिक देखिए बहुत सुंदर टॉपिक है जिसपे मुझे लगा कि हमने बात करना चाहिए। ठीक है जितना भी टाइम अवेलेबल है करते हैं कोशिश, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है बोल पाऊं बता सकूं कुछ अच्छा। ओके सो हम बात ही कर रहे थे कि हेल्थ इज इन आवर हैंड्स। यस ये हमारे दो हाथ है एंड हमारा जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य है रादर, हाँ ये स्वास्थ्य कब रहेगा, कैसे रहेगा, हमारे ये दो हाथों में ही रहेगा। मतलब आपका जो हेल्थ है वो आपके हाथों में है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो हेल्थ है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए मेरे हिसाब से मुझे कोई ऐसे आयुर्वेदिक डेफिनेशन और इसमें नहीं जाना है। मेरे लिए सिंपल हेल्थ क्या है, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है। यस हाँ जब आप खुश हो, जब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, राइट ओके। फिजिकली यू आर फिट ना, मेंटली यू आर फिट। यस आप खुशी खुशी सब काम करते हो, आप एक्टिव हो। यस आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ब्लिसफुल है, हैप्पी है। आपको कुछ भी काम बोलते हैं यू से यस आई एम रेडी टू डू इट, कम ऑन ब्रिंग इट एंड आई एम रेडी टू डू इट, बट देन हाउ आर यू सेइंग दैट यस, यू सेइंग दैट यस इन अ वेरी हैप्पी मैनर। ऐसे चिड़चिड़ करके नहीं बोलते आप चलना अभी देखूंगी फिर करूंगी, करने का रहेगा तो सोचूंगी, जमता है तो देखेंगे। Doesn't it happen with you all? होता है क्या ऐसे कि कुछ सोचा है आपने एंड फिर आप बोलते हो कि नहीं आज तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ है, या आई एम नॉट फीलिंग गुड, या और यू गेट सम यू नो ऐसे बोरिंग लगता है चीजें एंड फिर आप उसको ऐसे स्किप आउट कर देते, बोलते आज नहीं कल परसों ऐसे नर्सों ऐसे होते जाता है। होता है सभी के साथ में ऐसा? यू कैन जस्ट शो मी। होता है क्या, पोस्टपोन्ड होती है थिंग्स, पोस्टपोन्ड होती है थिंग्स। ओके यस घोगरे जी आपका हैंड आपने रेज किया, यस इट हैपेंस बिकॉज यस इट इज ह्यूमन बॉडी। तो सभी दिन सरीके नहीं होते हैं, हमारा जो फिजिकल स्टेट है उसमें भी जो है सेल्स चेंज होते रहता है रोज। यस ओके उसकी जो शक्ति है
पहले कैसे थे हम लोग, अब कैसे है, आगे कैसे रहेंगे, इट चेंजेस राइट, ओके इट चेंजेस. सो ये सब फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर से आपका हेल्थ डिटरमाइन होता है. सो फॉर मी व्हेन लाइक आई एम सेइंग हेल्थ, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हेन यू आर डिजीज फ्री. करेक्ट, जब आपके बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं है, दैट मीन्स यू आर एट ईज, आप आपके कंफर्ट में हो. एंड कंफर्ट में रहना मतलब क्या, सबसे बेस्ट, इजंट इट? यस, सभी को कंफर्ट पसंद है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, रहना भी चाहिए, है ना. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जब जैसे मैं बोल रही हूँ, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकली इमोशनली मेंटली यू आर fit and fine. If something comes to you, you accept it with that happy state of mind. Yes, main karungi, main karunga, no matter what the difficulty is, that is what you call yourself to be healthy. Yes, yes. Agree karte hai ki nahi? Ha ki nahi? Bata sakte hai mujhe, thumbs up deke. Yes, everyone, Sheetal ji, Mayur ji, okay. Yeah, so that is what is health. But अगर अभी बात करेंगे हम लोग कि जैसे मैं बोलती हूँ हेल्थ इज इन आवर हैंड्स, देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ रोज दिन सेम नहीं रहते हैं, चैलेंजेस इतने हैं ना, मॉडर्न है सब, यू नो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सो यू गॉट एन नंबर ऑफ चैलेंजेस. अगर मैं अभी मेरे घर पर हूँ, यस, तो मुझे सिर्फ मुझको ही नहीं देखने का है, मॉम डैड भाई सबको देखना है, यस, एंड साथ में खुद का करियर है तो मुझे उसको भी देखना है. सो आई हैव टू सी टू इट that I am handling all these things. But tell me, is that itna easy hai kya? Itna easy hai kya sab kuch manage karna? Nahi hai. Okay, it is not that easy. Pandemic mein sabko pata chal gaya hai ki kya hai sab kuch. Right? Okay? So, इसने हमको सिखा दिया कि एक्चुअली जीवन कैसे रहना चाहिए, चैलेंजेस आते हैं लेकिन चैलेंजेस को फेस करना और उसमें से बाहर कैसे निकलना, ये हमारे हाथ में है. एंड इसीलिए मैंने वो टॉपिक ही रखा कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, डेफिनेटली इट इज इन आवर हैंड्स, राइट. अभी आप जितना भी देखेंगे, तो जैसे मैंने बोला कि आप पहले चेक करिए कि आप फिजिकली फिट है क्या, चेक दैट, चेक वेदर यू आर मेंटली फिट. बिकॉज अगर मुझे कुछ भी काम करना है, सो आई हैव टू सी टू इट, मेरा माइंड एंड मेरी बॉडी, या उससे भी ज्यादा मैं बोलूंगी, मेरा माइंड जो है कैसे रहना चाहिए, इट शुड बी हेल्दी. मेरे जो थॉट्स है वो कैसे रहना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, दैट नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज कमिंग, फर्स्टली मैं मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए उसको फेस करने के लिए. एंड उसके बाद बोलते हैं ना, बॉडी फिर कैसे भी रहे, अगर हम यहाँ से स्ट्रांग है तो इसको ऑटोमेटिकली वो ताकत, वो फोर्स, वो एनर्जी मिलता ही है. होता है कि नहीं ऐसा? होता है कि नहीं ऐसा? होता है ऐसा. यस, कभी कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमको लगता है यार मेरे में तो वो ताकत है ही नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब हमको वो यहाँ से ऊर्जा मिलती है, वो सोल से एनर्जी आता है, नो this is something which you need to do it, and then wo aap kar jate hain, soul energy. So now main thoda ye definition ko aage leke jati hu, is concept ko aage leke jati hu, and aapko ye batana chahti hu ki dekhiye hamari body sirf aur sirf ye jo panch tatvon se sharir bana hai wahan tak ki simit nahi hai, iske upar bhi kuch hai, that is your soul energy. Yes, ha, जो आपको न जाने ऐसी चीज जो आपने कभी सोची भी नहीं रहेगी, आपको लगा रहेगा यार ये इम्पॉसिबल, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, नॉट पॉसिबल, मैंने कभी नहीं किया, बट आप वो कर जाते हो. व्हाट इज दैट, व्हिच इज दैट एनर्जी, दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर इननेट, वो हमारे अंदर है. क्यों? बिकॉज हम सब वो डिवाइन उसके बच्चे है, तो ये हमारे अंदर है. लेकिन क्या हो गया है ना, आजकल हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, रॉन्ग लाइफस्टाइल रादर, वो ऐसी हो गई है कि हम इस एनर्जी को, ये जो प्राणा या जो ये सोल एनर्जी है, हम ये जो डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर है, हम इससे बहुत दूर चले जा रहे हैं. एंड हमारे अंदर क्या आते जा रहा है, एंगर, राइट, जेलसी, राइट, लस्ट, फिर कॉम्पिटिशन, पता नहीं ये सारी जो है क्वालिटीज, इधर हमारा फोकस ज्यादा आ रहा है. यस, एंड जो हमारी अच्छी क्वालिटीज है, इननेट क्वालिटीज, हम उसको भूलते जा रहे हैं.
यस, तो अगेन इसका जो कारण है वो कहाँ है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू चेक दैट, करेक्ट. सो यस डेफिनेटली अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी बॉडी को मुझे अच्छा रखना है, फिट रखना है, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे अच्छा आहार चाहिए. यस, मुझे अच्छा आहार चाहिए. देन आपका विहार, जिसको हम बोलते हैं कि आप किस तरीके से जो है मराठी में तला वागणा बोलते हैं, राइट, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट. आपकी सोच क्या है, यस, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, निद्रा, स्लीप, हाउ इज योर स्लीप पैटर्न, क्या वो क्वालिटी स्लीप लेते हो आप. सो ये सारी चीजें है विच डिटरमाइंस हाउ मच फिट और हेल्दी यू आर. यू हैव टू चेक, टू डू लिस्ट रहता है ना, वो देखिए आप रोज का आपका क्या है, आहार विहार, यस, आप सोते कितने बजे है, आप उठते कितने बजे है, कैसे चीजों को करते हैं. यू ऑलवेज हैव टू मार्क अप ऑल दिस थिंग्स. जो हम अभी ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अंदर क्या होते जा रहा है, हम ये सारी चीज भूलते जा रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर. यस, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट. अगर आपको अच्छी हेल्थ रखनी है आपकी, तो आप पहले चेक करिए कि आपका आहार क्या है, आपकी शरीर की जरूरत क्या है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप आपके शरीर को सुनिए. यस, एंड आपको आपके शरीर को सुनना मतलब क्या कि चेकआउट, आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो, एंड उसके ऊपर से डिटरमाइन करिए कि आगे के जो साल है आप कैसे रहने वाले. पहले के जमाने के लोग कितने इयर्स तक रहते थे, 80, 90, 100 आराम से उनके गुजर जाते थे, उनको ऐसे किसी सो कॉल्ड साइकेट्रिक्स के पास में जाने की जरूरत नहीं थी, फिजियो के पास में जाने की जरूरत नहीं थी. मैंने तो ऐसे कभी देखा नहीं है, मैंने तो अच्छी अच्छी सब मेरी दादी के पास से अच्छी अच्छी कहानी सुनी है. एंड इट्स नॉट जस्ट कहानी, वो लाइफ स्टाइल रहता उनका जिया हुआ, जो मुझे हमेशा सुनने को अच्छा लगता था. Yes, पर मैं अभी सोचती हूँ, सी आई एम एन एकेडमिशियन, यस, आई टीच टू माई कॉलेज स्टूडेंट्स. अब जब मैं इनको पढ़ाती हूँ तो मुझे एफ सी में ना एक टॉपिक आता है, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारी सो चीज मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, इसका तो पार्ट चेंज ही होते जा रहा है, एड ऑन ही होते जा रहा है, एड ऑन ही होते जा रहा है. एंड मुझे हर साल नया नया स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स इन लोगों को देने के लिए मिलता है. So now I am into this, ऐसे मेरे अंदर वो चीज चलता रहता है, that means cases बढ़ रहे. Yes, कम तो नहीं हो रहे है, लेकिन cases क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो कारण हमको ही ढूंढना है ना, हमको ही चेक करना है, खुद का जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, भाई गलती कहाँ हो रही है. यू चेक आउट, आप काम कैसे कर रहे हो, आप खा रहे कैसे हो. यस, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम खाना भी ग्रहण कर रहे हैं ना, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन टाइम जैसे मैंने बोला अभी हमारा ज्यादा हो गया है. दिस इज अ क्वालिटी टाइम विच वी आर स्पेंडिंग टूगेदर, कुछ अच्छा सुन रहे हैं ना, ओके, कुछ हमारे काम का है, दैट इज फाइन. यस, लेकिन अननेसेसरीली आप टीवी के सामने बैठकर जो है खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड फोन पे बोलते बोलते अगर आप खाना ग्रहण कर रहे हो, तो मुझे बोलिए ना, ये इसको क्या सिग्नल मिल रहा है, ब्रेन को क्या सिग्नल मिल रहा है. आपका जो खाने का एक्चुअल प्रोसेस है उसमें तो आपका कुछ ध्यान ही नहीं है, आपका तो ध्यान टीवी जो मूवी या जो भी कुछ देख रहे रहेंगे वहां पर है आपका कनेक्शन फूड के साथ में. नो, नहीं है फूड के साथ में कनेक्शन. ओके, नॉट जस्ट दैट, यू टेल मी, हमारी अभी जो पद्धत है खाने की वो कैसे हो गई है. अभी डाइनिंग टेबल आ गए अच्छे खासे, सो कॉल्ड, इधर से लिया उधर से लिया है, एंड उसके ऊपर खुर्ची उर्ची लगा के आराम से मस्त बैठ के खाते. पहले तो ऐसे नहीं था, पहले तो वो बैठक पद्धत थी. यस, बैठ कर अच्छे से परिवार के साथ में बैठ कर खाना खाते थे. अभी तो वेडिंग सीजन चालू है, अभी तो बुफे इन द सेंस यू गॉट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ईट, एंड यू आर लाइक मैरिज का भी अच्छा, कब आप किसी की शादी को चलते, यस खाना अच्छा था यार, अच्छी शादी थी, राइट, बिकॉज इतना सब अच्छा अच्छा रहेगा खाने के लिए. पर मैं बोलती हूँ कि आपका मन के ऊपर ताबा कब है, आपके सामने नो मैटर कितने भी ऑप्शन अवेलेबल रहे. मैं हमेशा बोलती हूँ अवेयरनेस, व्हाट इज अवेयरनेस फॉर मी, या अवेयरनेस फॉर मी इज व्हेन आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, बट देन आई नो टू कंट्रोल मायसेल्फ. यस, टेलिंग मायसेल्फ कि नो, यू हैव टू स्टॉप, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो डोंट गो फॉर इट. यस,
नाउ दैट डजंट मीन कि मैं बोल रही हूँ कि यू नो आपको ये सो एंड सो चीज खानी ही नहीं है. कम ऑन, हमने इतने टाइम से चीज खाई हुई है तो कभी तो एक बार चीट डे बनता है, खा लीजिए कुछ इतना ये नहीं, राइट? ओके, बट यू ऑलवेज हैव टू चेक दिस. तो मैं हमेशा बोलती हूँ चेक करिए, चेक करिए, जस्ट चेक इट, व्हाट आर यू ईटिंग, हाउ आर यू ईटिंग, राइट? बिकॉज देखिए, मैं मेरा अगेन दूसरा टॉपिक लूंगी जब मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगी. अभी मेरे पास में भी टाइम कम है, हमने जस्ट 5 मिनट्स से मिलेंगे. सो यू ऑलवेज हैव टू मॉनिटर एंड ऑलवेज हैव टू चेक एज टू आप क्या खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो. हाँ, फिर वो जो खाना आप पका रहे हो उसको आप किस तरीके से पका रहे हो, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, वी बींग फीमेल्स, वी बींग लेडीज, हमारे ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है जब भी हम किसी भोजन को पका रहे हैं. बिकॉज हम वही वाइब्रेशन उसके अंदर जो है फूड में आ जाते हैं. तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि फैमिली में जो गृहिणी होती है, जो महिला होती है, उसका हैप्पी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज खाना बनाने का काम कौन कर रहे हैं? यस, ओके. तो आपने सबसे पहले खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लग रहा है कि यस थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, आप किचन में एंटर मत करिए उतने टाइम तक. यू गो देयर, या ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए थोड़ा, एंड देन कम बैक, एंड फिर आपका जो काम, जो भी कुछ यू नो भोजन वगैरह पकाने का, आपको फिर बाद में हो चालू करिए. बिकॉज लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस रियली अफेक्ट्स अ लॉट. या हम हमारे सिस्टम को भूल गए हैं. हम पहले यू नो हाथ जोड़ना, प्रेयर करना, ये सारी चीज होती थी, जिससे कि क्या हो जाता था, जो भी टॉक्सिसिटी है एनवायरनमेंट में वो भी क्या हो जाती थी, निकल जाती थी. अभी हम प्रेयर्स भी नहीं ऑफर करते, राइट? सो वी आर वेरी मच इनटू यू नो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे हमको चीजें चाहिए, तो ऐसे नहीं होता. देयर इज अ पैटर्न, यू हैव टू फॉलो समथिंग एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू समथिंग टू बेयर द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ इट. So we have to monitor everything as to what are we doing, how is our lifestyle today. Yes, हमारा क्या हो गया है ना, वेस्ट को बहुत फॉलो करने लग गए हम लोग. I am not against that, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि भाई उनका जो अच्छा है वो ले लो, हमारा जो अच्छा है उनको दे दो, ये आदान प्रदान चलना चाहिए, तभी सब कुछ हेल्दी रहता है, मेरा ऐसा मानना है, राइट? हाँ, लेकिन हमारा क्या हो गया ना, वी आर वेरी मच इनटू ओ फ्रेंच फ्राइज एंड वी टेक अ लॉट ऑफ यू नो ऐसे बहुत इसमें ये रहते कि अरे वाह वाह मैंने तो ये खाया, मैंने तो वो खाया. सो अगर कुछ सो एंड सो चीज रख दिया एंड फ्रेंच फ्राइज रहेगा तो विल गो फॉर दैट, व्हाई? या सो समथिंग कहाँ ना कहाँ वो चीज आ गई है हमारे अंदर. सो यू हैव टू सी टू इट कि पहले तो आपकी लाइफ स्टाइल उसको चेक करिए. बिकॉज गलत लाइफ स्टाइल के कारण क्या हो गया, लाइफ स्टाइल डिजीज आ गई है. Yes, अभी मैं बोलती हूँ कि हर घर में आपको थायराइड का पेशेंट मिलेगा. हाँ, ओबेसिटी बढ़ गई है लोगों के अंदर, राइट? फिर उसके बाद में डायबिटीज बढ़ गया. मुझे नहीं लगता इंडिया में पहले ऐसे ये सारी चीजें थी, डायबिटीज, थायराइड, आई डोंट थिंक सो. अभी आप अगर केस देखोगे तो हर घर में यू नो आपको ये सारे पेशेंट दिखेंगे. हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए है. Why? Because for sure हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, विचार है, सोच है, उसके अंदर क्या हो गया है, चेंजेस आ गए हैं, राइट? अभी और ऊपर से क्या हो गया, यू नो वेस्ट हमको फॉलो करने लग गया है एंड हम हमारी चीजों को जो है उससे दूरी बरतते हैं. ऐसा हो गया, उल्टा हो गया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी नीड टू कम बैक टू आवर रूट्स. यस, वी नीड टू कम बैक टू आवर सेल्फ. एंड उसके लिए थोड़ा खुद का अध्ययन करना पड़ेगा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं. आई थिंक आई हैव गॉट जस्ट फ्यू मिनट्स, कुछ डेढ़ मिनट है मेरे पास में. एंड मैं इसका फॉर श्योर, आज तो कुछ टेक्निकल एरर थी मेरे यहाँ से, तो मैं टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाई. ओके, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी. लेकिन फॉर श्योर मैं आऊंगी एंड इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर बात करूँ. आप लोग भी मेरे साथ में जरूर से बने रहना. आई एम फॉर श्योर आप लोग आएंगे. आएंगे ना, आएंगे कि नहीं, यू कैन टेल मी, यू कैन शो मी थम्स अप. थैंक यू. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं जाने अनजाने में. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यू नो जान करके कर रहे हैं, पर जाने अनजाने में हमसे क्या हो रहा है. यू नो इंसान है, देखा देखी करने की आदत रहती है. लेकिन कभी ये तो सोचिए कि जो देखा देखी हम कर रहे हैं उसमें खुद का तो नुकसान नहीं कर रहे हम लोग, परमानेंट
यस सो सोचिए थोड़ा इस चीज के ऊपर यस एंड जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आई विल कम अप विद सडन यू नो जो आपकी सोचने का जो मतलब समथिंग यू नो जो आपको ऐसी कुछ चीजें बता दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये जो पैटर्न है इसको चेंज करना क्यों इम्पोर्टेंट है. लेकिन सी इफ यू विल बी टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ओके आई एम टॉकिंग अबाउट गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इन द सेंस बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली यस फिर आप देखना कि आपकी लाइफ के अंदर से ये डिजीज सही में कैसे निकल जाता है यस एंड आप सही में आपके